बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज के दिन देखने वाले हैं बेटा एमजेपीआर और उनखंड यूनिवर्सिटी की। आपको बताऊंगा अभी हाल ही में अपडेट आई है। पहले क्या था एमए एमएससी वालों के लिए दे रखी थी स्कीम, लेकिन अभी हाल ही में टाइम टेबल आया है आप देख सकते हैं ये, ठीक है। और ये क्या है, ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए है, रेगुलर स्टूडेंट प्राइवेट और एक्स स्टूडेंट है, उन सभी के लिए मेन एग्जाम तो 2022 में होने वाला है। और वो कब होगा देख सकते हैं ये 6, ठीक है, अगले मंथ में होने वाला है। अब देखिए जून में होगा तो 11 जून से आपके पेपर स्टार्टिंग है, ठीक है। अब 11 जून से पेपर स्टार्टिंग है, वो भी आप चाहे बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट है सभी के लिए, ठीक है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनकी परीक्षा भी हाल ही में होगी। जो फर्स्ट सेमेस्टर जो है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर तो हो चुका है, सेकेंड सेमेस्टर का जो है, ठीक है, उनका भी हाल ही में पेपर होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को पूरा रखिए, बाकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। और जो भी छात्र बीए बीएससी बीकॉम कर रहा है उनके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, जो केवल 10 क्वेश्चन होंगे। केवल कितने क्वेश्चन होंगे बेटा, 10 क्वेश्चन आप याद करके 85% प्लस लेके आएंगे, ये बात पक्का है। तो मतलब वही आएगा जो मैं बता रहा हूं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाकी मैंने कुछ 14 से 15 क्वेश्चन पहले दे रखे हैं, आप वो सब कुछ पढ़े होंगे, और 10 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबर से। अब आपको ये स्कीम कैसे डाउनलोड करें वो प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है। तो ये स्कीम को हम कैसे डाउनलोड करेंगे, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूं, सबसे पहले आपको क्रोम में जाना होगा, ठीक है। देखिए अपने अपने वेबसाइट जो भी है आपका, जो चला रहे हैं आप, ठीक है, फोन चल रहा है उसका एक क्रोम ब्राउजर या फिर जो भी आपकी वेबसाइट वो है सिस्टम, उसको ओपन कर लेना है। और वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा जिसका नाम है paperhacker.in, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, paperhacker.in पर आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से कुछ खुलेगा। तो पेपर हैकर होम पेज जो आ रहा है लिख के आप उसको टच कर देना है, उसको जब टच करेंगे तो वेबसाइट इस तरीके से कुछ खुलेगी, आप देख लीजिए वेबसाइट जो खुलेगी वो इस तरीके से खुलेगी। आपको थोड़ा सा नीचे जाना ऐसे करके, ठीक है। आप देखो जितने हमारे चैनल है, एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से देखो ऊपर लिंक दे रखा है, ये सारे चैनल के लिंक है जो चल रहे हैं, आप किसी भी पर आप टच करेंगे उस चैनल पर पहुंच जाएंगे, विजिट कर लेंगे। यहाँ आल नोट्स लिंक है, आप इस पर टच करेंगे तो आल नोट्स आपको मिलने वाला है। आल पेपर हैकर यूट्यूब चैनल आप इस पर टच करेंगे तो पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाएंगे, जो आप वीडियो चैनल पर देख रहे हैं। और वही मैं आपको दिखा दूं, आल ऐप डाउनलोड आप इस पर टच करेंगे तो सारे ऐप जो आप देख रहे हैं, देखिए प्ले स्टोर के जितने ऐप है ये सारे ऐप आपको खुल जाएंगे। देखो पूरा ऐप पूरा भंडार है, ये समझ लो सारे नोट्स आपको ऑलवेज। देखो यहाँ सो मोर लिख के ऐसा कुछ आएगा तो, या फिर आपके फोन में कुछ तीर का निशान आ सकता है ऊपर, तो आप उस तरीके से खोल लेंगे आराम। सारे देखो सी मोर पर टच करेंगे तो सारे यहाँ नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये सारे जितने नोट्स हमने डाल रखे हैं प्ले स्टोर पर, ये सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। बीएड की आप देख सकते हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनसीसी की तैयारी कर रहे हैं देख सकते हैं, और बॉटनी का थर्ड पेपर नोट्स और ट्रिक्स, सारे नोट्स हमने प्रोवाइड करा रखे हैं, आप यहां जाकर बड़े आसानी से देख सकते हैं। वही मैं बात करने वाला हूं, आपको नीचे जाएंगे हम लोग तो यहां लिखा है बीए बीएससी बीकॉम नोट्स पीडीएफ, आप यहां टच करेंगे तो हमारे नोट्स जो जैसे कि सॉल्ट स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन हो गया, ठीक है, पर्यावरण का हो गया, यहां पर आप टच करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद जो कंपलसरी होता है सभी के लिए, चाहे बीए का स्टूडेंट हो बीकॉम को, सभी के लिए, उनके लिए हाई स्कूल इंटर आपका भाई बहन कोई भी है उनके लिए, यहां जाकर आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो भी स्टूडेंट जिस छात्र जिस क्लास के स्टूडेंट है उस क्लास पर टच करिए, जैसे बीकॉम सेकंड ईयर में है तो आप इस पर टच करेंगे नोट्स आपका डाउनलोड हो जाएगा। भाई आप नोट्स जो भी डाउनलोड करना होगा वो मिलेगा। अब आपको नीचे चले जाना है, डी फार्मा बी फार्मा जो भी आप कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, नेपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आप नीचे जाइए, यहां आपको कुछ नोटिस दिख रहा है, नोटिस के जस्ट बराबर में आपको देखो यूपी आल यूनिवर्सिटी दिख रही है, यूपी आल यूनिवर्सिटी दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है यूपी आल यूनिवर्सिटी देख लीजिए, इस पर आपको टच कर देना है इस बटन पर, क्योंकि आप यूपी के यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई कर रहे हैं एमजेपीआरई वाले, तो इस पर आप टच करेंगे। जैसे ही आप टच करेंगे तो इस प्रकार से एक वेबसाइट खुलेगी, देखो ध्यान से इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी, और जितनी भी यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वो यहां आपको बटन दिखाई देते होंगे, जैसे कि एमजेपीआरई रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, ठीक है, ये बलिया यूनिवर्सिटी हो गई, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये झांसी यूनिवर्सिटी, ये आगरा, ये अवध यूनिवर्सिटी, ये झांसी यूनिवर्सिटी, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटी है। आप जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जैसे कि आप एमजेपीआरई के स्टूडेंट है और आपको स्कीम को डाउनलोड करना है तो इस पर आपको टच करना होगा एमजेपीआरई पर, एमजेपीआर टच करेंगे और नीचे थोड़ा सा जाएंगे, देखिए इस तरीके से जाना है आपके फोन में, और यहाँ आपको दिख रहा है न्यू सिलेबस डाउनलोड करना है तो सिलेबस वाले पर टच करिए, यहाँ आपको यूजीपीसी टाइम टेबल डाउनलोड करना है तो यहाँ टच करिए, अपडेट देखनी है डेली की तो यहाँ से जाइए, यहां से आप क्या कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और नीचे जाने के बाद में यहां देख सकते हो एक्स फॉर्म, जो आप एडमिशन फॉर्म एक्स फॉर्म प्राइवेट फॉर्म भर रहे हैं वो यहां से जाकर भर सकते हैं इस पर टच करके, समझ रहे हैं ना।
उसके बाद में जैसे कि मैं आपको डाउनलोड करके क्या क्या दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आपको टाइम टेबल, आज के टाइम टेबल कैसे है, तो आप यहाँ टच करेंगे, आप इस पर टच करेंगे तो आप हम सिंपल तरीके से टाइम टेबल खुल जाएगी। देखिए टाइम टेबल देखो, यहाँ से आपको नीचे जाना है और थोड़ा सा देखेंगे, ये सारी टाइम टेबल है, यूजी पीजी देख सकते हो, ये है पीजी वालों के लिए, ये है यूजी, आप यूजी के स्टूडेंट है जैसे कि बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं तो आप इस पर टच करेंगे, आप जैसे टच करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, बात खत्म। डाउनलोड करेंगे तो आप इस तरीके से खुलेगी कुछ, देखिए वो इस तरीके से स्कीम खुल जाएगी, अब आपके सामने है। अब देखिए क्या करना है, आपको ये दिखाई दे रहा है, अब मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे पेपर, आप देख लीजिए 11/6/2022 से आपका पेपर स्टार्टिंग है, बीए के जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे कि तीन पारी में यहाँ डिवाइड किया गया है, तीन शिफ्टों में आपके पेपर होंगे, फर्स्ट शिफ्ट में 7 बजे से 10 बजे तक, सेकंड शिफ्ट में 11 से 2 बजे तक, और थर्ड शिफ्ट में 3 से 6 बजे तक आपके पेपर होने वाले हैं। ठीक है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, आपको पूरी स्कीम आपके सामने है। ठीक है, अभी ये स्कीम अनिश्चित है, मतलब कि इसमें बदलाव किया जाएगा, बस ये बदलाव किया जा सकता है कि आगे पीछे थोड़े से पेपर हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि आपके जो पेपर होंगे वो 11/6/2022 से होंगे। क्लियर हो गया, तो आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया ना एक्स स्टूडेंट वालों, तो फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, और जो जैसे मैंने प्रोसेस बताया वैसे ही प्रोसेस होगा, और आज लास्ट डेट है, आप कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।